डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, 10th क्लास में जो हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इस 8.2 के क्वेश्चंस में पहला का ऑल हम लोगों का हो गया था। दूसरा में अगर बात किया जाए तो सही विकल्प चुनिए, ये भी हम लोगों को बहुत इजी वे में बन सकता है और बनाए भी हैं हम लोग, क्योंकि सबका वैल्यू पुट कर देना है। दोस्तों, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में आपको सबका मान याद रख लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप याद नहीं रखते हैं, आप सिर्फ टेबल को देखकर पीछे वाले सब चीज़ सबका मान देखकर आप सिर्फ रख दे रहे हैं और फिर अपने आप को तेज समझ रहे हैं, तो नो डाउट्स आप तेज नहीं हैं। ठीक है, आप में टैलेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टैलेंट वही लोगों में होगा जो सबका वैल्यू याद रखे। मतलब कि अगर किसी का वैल्यू पूछा जाए ना, जैसे साइन 30, कोसेक 60, टेन 90, तो सबका वैल्यू आप फटाफट एकदम एंड टू द पॉइंट अगर आप बता पाए तभी आप में टैलेंट है। तो इस एक्सरसाइज में अगर टैलेंट दिखाना है तो दोस्तों करना क्या होगा, एक ही काम करना होगा, वो क्या, तो बस आपको याद रखना होगा। अगर जिस व्यक्ति को या जिस बंदे को, जिस स्टूडेंट को अगर याद हो गया सबका वैल्यू, तो उसको फटाफट रखेगा और ये कर लेगा। तो अगर कुल मिलाकर दूसरा में टोटल 4 क्वेश्चन था, तो पहला, दूसरा और चौथा तो मान रखने वाला था, लेकिन तीसरा क्वेश्चन को आप देखिए, ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है। सवाल में क्या बोल रहा है, साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है, सत्य का मतलब सही, तब सही होता है जब a बराबर होता है। सुनिए, सवाल बोल रहा है कि साइन 2a बराबर 2 sin a, ठीक है, 2 sin a। अब बोल रहा है कि ये तीसरा क्वेश्चन हम आपको छोड़ने के लिए भी बोले थे कि हम खुद ये बता देंगे। तो साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा, सत्य का मतलब सही होगा जबकि a बराबर है। यानी कि देखिए, ये आपका क्वेश्चन है और a बराबर है का मतलब a का मान पूछ रहा है। देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, कितना का, दूसरा का एक्सरसाइज कितना का, तो 8.2 का। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन है साइन 2a बराबर 2 sin a, ठीक है। अब ये को बोल रहा है कि ये तब सही होता है, यानी कि ये कब सही होगा, a का कितना मान रखा जाए कि ये और ये सही हो जाएगा, मतलब LHS बराबर RHS हो जाएगा। ठीक है, और सवाल में ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दिया है 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा ऐसे सवालों में दोस्तों, सवाल समझिए क्या बोल रहा है, साइन 2a बराबर 2 sin a। ठीक है, हम आपको हर बार बोले हैं कि यहाँ थीटा नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, थीटा नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 2 sin 2a है बराबर 2 sin a है, तो इसमें से a का मान कितना रखा जाए, 4 ऑप्शन है, a का मान कितना रखा जाए कि LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक करना पड़ता है, हम लोगों को ऑप्शन से चेक करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर a क्या है, 0, यानी कि a के जगह पे 0 डिग्री रखिए। ठीक है, ए के जगह पे कितना डिग्री रखिए, 0 डिग्री। अब ए के जगह पे आप 0 डिग्री रख के चेक कीजिए, तो ए पर अगर 0 डिग्री रखेंगे तो LHS कितना है, तो LHS में साइन 2a है, LHS का मतलब बराबर के बाईं तरफ साइन 2a है। तो यहाँ पे हम लोग रख दिए साइन 2 * a के जगह पे 0, तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान 0, तो LHS में कितना आया, 0। अब इसी का RHS भी निकालेंगे, यानी कि
सवाल समझिए, क्या बोल रहा था कि ये दोनों कब बराबर होगा, ए के कितना डिग्री के मान पर ये वाला LHS ये RHS बराबर हो जाएगा। तो सबको आपको बारी बारी से चेक करना है। हम अभी पहला ए बराबर जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो ए के जगह पे यहाँ पे जीरो रख दिए, तो जीरो को 2 से गुना किए तो जीरो, और साइन जीरो का मान जीरो होता है। फिर RHS देखेंगे, तो RHS में कितना है, 2 sin A, तो यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 ठीक है, साइन ए है, तो ए के जगह पे कितना रख के चेक कर रहे हैं, 0 डिग्री ना, तो साइन 2 का तो 2 रहेगा, और साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0। तो यहाँ हम बोलेंगे कि यहाँ LHS बराबर RHS है, तो इसलिए ए भी हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों कि बी या सी या डी में से और भी कोई क्वेश्चन हम लोगों का सही हो जाए, ठीक है, इसलिए अब की बार बी वाला ऑप्शन को चेक करना है, ए बराबर कितना पे, 30 डिग्री पे, ठीक है, ए बराबर कितना पे, 30 डिग्री पे। तो आप पाएंगे कि 30 डिग्री पे भी नहीं आएगा, 45 डिग्री पे भी नहीं आएगा, 60 डिग्री पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को आंसर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे भी बोल रहा था कि कितना डिग्री के लिए बराबर होगा, और हम लोगों को पहला ही ऑप्शन में LHS RHS बराबर आ गया, तो आगे चेक करने का कोई मकसद भी नहीं बनता है। लेकिन आप चेक कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि LHS जो है RHS के बराबर नहीं आ रहा है, 30 डिग्री रखने से नहीं आ रहा है, 45 डिग्री रखने से नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योंकि दूसरा में जो विकल्प चुनने वाला जो क्वेश्चन था, ये हम लोग अभी पूरा कम्प्लीटली कर लिए। अब 8.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है, उसको देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, टेन ए प्लस बी का वैल्यू √3 है, और टेन ए माइनस बी का वैल्यू 1/√3 है। और इधर जो बोला है ना, यहाँ के बाद से बोला है ना, तो इसको हम लोगों को मतलब नहीं रखना है, यहाँ के मतलब नहीं रखना है यहाँ से। लेकिन समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी का मान, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी a प्लस बी का मान 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और a और b में बड़ा कौन है, a बड़ा है और b छोटा है, तो a और b का मान निकालिए। तो कुल मिलाकर हम लोगों का मेन सवाल टेन ए प्लस बी बराबर √3, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है, ये हम लोगों को सवाल है, ये हम लोगों को सवाल है, ये हम लोगों को मेन सवाल नहीं है, सिर्फ इसी तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको माने मतलब नहीं रखना है, और फिर बोल रहा है कि a और b का मान निकालिए। तो तीसरा वाला सवाल में आपको दिया हुआ है क्या, देख लीजिए, तो आपको दिया है टेन ए प्लस बी का वैल्यू √3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। तो हमको क्या करना है, ए का भी मान निकालना है और बी का भी मान निकालना है, ठीक है, ए का भी मान निकालना है और बी का भी मान निकालना है, ठीक है। सबसे पहले करेंगे क्या, चूंकि दिया क्या है, टेन ए प्लस बी बराबर √3, ठीक है, ध्यान से समझिएगा अच्छे से। तो टेन का तो हम लोग टेन लिखें, ए प्लस बी के जगह पे ए प्लस बी लिखें। अब देख लो भाई, ये उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा चीज़ भी आपको याद रखना पड़ेगा। आप अगर बढ़िया से टेबल को याद कीजिएगा, तो टेबल में आपको मिलेगा कि टेन 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है, और कोट 30 का वैल्यू होता है √3। ध्यान दीजिएगा, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और कोट 30 का वैल्यू कितना होता है, √3। अब ये जो √3 है ना, इसके जगह पर हम किसी का भी मान रख सकते हैं, इस √3 के जगह पे टेन 60 भी लिख सकते हैं, कोट 30 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि टेन 60 का भी वैल्यू √3 होता है, कॉट 30 का भी वैल्यू √3 होता है। लेकिन दोस्तों, इस √3 के जगह पे
अब रहा बात कि अब यही मैथमेटिक्स है, यही मैथमेटिक्स है दोस्तों, यही सोचने का क्षमता बढ़ाता है कि रूट थ्री पर किसको रखा जाए जिसको हम लोगों को मैथ में फायदा हो सके, हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इस रूट थ्री के जगह पे टेन सिक्सटी को रखने से हम लोगों को फायदा बनता है। क्यों, देख लीजिए, टेन सिक्सटी रख दिया, अब टेन को ही क्यों रखा, कॉट तीस को क्यों नहीं रखा, आप सवाल पूछ सकते हैं। तो उसका हम जवाब यहाँ पे देने वाले हैं, तुरंत देने वाले हैं। तो इधर तो वही था टेन ए प्लस बी, लेकिन रूट थ्री वाला जो है दो को फार्मूला होता है, तो हम टेन सिक्सटी ही क्यों रखें, क्योंकि इसके आगे जो टेन था इसके आगे जो टेन है, तो टेन और टेन जो है कट जाता है, यानी कि इसीलिए हम टेन को रखें ताकि सेम सेम रहेगा तो कट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इससे हम लोगों को एक समीकरण बन गया, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये हो गया समीकरण नंबर एक। ठीक है, और एक और चीज दिया हुआ है, देख लीजिए, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक है, अब आपको जानना चाहिए कि ये 1/√3 है ना, ये किसका मान होता है, तो आप बढ़िया से ढूंढेंगे तो टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और कोट 60 का जो वैल्यू होता है उसका भी वैल्यू होता है 1/√3। अच्छे से देखिएगा आप, तो कोट 60 का भी वैल्यू 1/√3 होता है, टेन 30 का भी वैल्यू 1/√3 होता है, तो इस 1/√3 के जगह पे हम लोग टेन 30 रखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके आगे 10 है, तो 10 और 10 कट जाएगा, तो यहाँ रख दिया टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये 1/√3 के जगह पे टेन 30। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ कि ये 10 और 10 कट गया, तो ए माइनस बी बराबर में 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर दो दोस्तों। तो यहाँ आया आपको a प्लस बी बराबर 60, यहाँ आया a माइनस बी बराबर 30। तो आप दोनों समीकरण को सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग देखते थे ना कि रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा विधि पढ़े हैं, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, तुलनात्मक विधि, है ना। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप जो है, वहाँ x और y रहता था, तो यहाँ a और b है, तो जब कभी भी निकालेंगे तो a और b का मान निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर समीकरण एक और समीकरण दो को आप सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करके a और b का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तीसरा नंबर हम लोगों को क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सवाल में बोल रहा था कि a का मान निकालिए, b का मान निकालिए, तो दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो कुल मिलाकर हम लोगों को मान निकल जाएगा। ठीक है, फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चार। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है चार नंबर, ये बोल रहा है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि यहाँ पे चार नंबर में जो क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, इसमें बोला जा रहा है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। ठीक है, आपको पांच क्वेश्चन दिया हुआ है, अब पांच क्वेश्चन पे हम लोगों को चेक करना है कि क्या सही है क्या गलत है। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी, तो साइन ए और प्लस साइन बी लिख दिया। कभी भी ट्रिगो में ऐसा नहीं होता है कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू साइन ए और साइन बी, यानी कि ट्रिगो में ऐसा नहीं होता है कि इसको बाहर है तो साइन को ए से गुना कर दीजिए और प्लस साइन को बी से गुना कर दीजिए, ये ट्रिगो में नहीं होता है, इसलिए पहला जो है असत्य है। ठीक है, अब इसका असत्य जो है, इसका कारण का पुष्टि करना है। ठीक है, तो पहला सवाल में साइन ए प्लस बी है बराबर कितना दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी साइन बी। ठीक है, तो अब ये हमको चेक करना है कि आखिर ये क्यों गलत है। तो आप अपने तरीके, अपने से जो मन करे ए का वैल्यू मान लीजिए, माना कि ए का मान और बी का मान वैसे ही निकालना है जहाँ पे
उसका वैल्यू होता है, जैसे किसका किसका प्रमाण होता है, 0 पर होता है, 30 पर होता है, 45 पर होता है, 60 पर होता है, 90 पर होता है। तो हम ए का मान लिए 60 और बी का मान लिए, ए का वैल्यू 30 मान लिए और बी का वैल्यू 60 मान लिए। तो आप LHS से सॉल्व कीजिए तो साइन ए प्लस बी है ना। तो साइन ए प्लस बी को जोड़ देना है, तो ए के जगह पे हम 30 अपने से मानना है, ऐसा कुछ मानना है कि उसका वैल्यू निकले अच्छे से, तो 30 रख दिया और यहाँ पे बी के जगह पे 60। तो साइन 30 और 60 मिलके कितना, 90। तो LHS में आ गया 1। आप RHS सॉल्व करेंगे, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। अब RHS में साइन ए है प्लस साइन बी है, अब हम लोग ए के जगह पे कितना माने हैं, 30। तो यहाँ रखिए साइन 30 प्लस साइन बी, तो साइन के जगह पे 60 रखिए और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों आप ये समझिए कि ट्रिगो में ऐसा गलती हो जाता है, यह असत्य है। तो पहला आंसर हो गया क्या, असत्य। क्यों, क्योंकि ये बराबर नहीं होता है। हम लोग पहले की जैसा सोचते होंगे ना कि जैसे मान लिया कि एक्स है, 2x है और y प्लस 4 है, तब हम लोग इसको कैसे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो 2xy और प्लस 2x को 4 के साथ 8x। तो ये सिर्फ हम लोगों को अलजेब्रा में ही ऐसा होता है, ट्रिगो में ऐसा नहीं होता है। ट्रिगो में साइन है उसके अंदर में, तो ऐसा मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। और बात रहा तो आप कारण का पुष्टि भी कर लिए, चेक भी कर लिए। चलिए नेक्स्ट है, थीटा में दूसरा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। इसमें बोल रहा है थीटा का मतलब कौन सी, कोण, थीटा मतलब कोण। अगर कोण का मान वृद्धि होता है तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। जैसे मान लिया दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आप थीटा का मान कुछ भी रखिए, थीटा का वैल्यू 0 रख सकते हैं, थीटा का वैल्यू 30 रख सकते हैं, थीटा का वैल्यू 45 रख सकते हैं, ये मान बढ़ रहा है ना, 60 रख सकते हैं, थीटा का मान 90 रख सकते हैं, यानी कि थीटा का मान में वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान कितना होगा, तो साइन 0 के जगह पर हो जाता है 0। साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। और साइन 90 का वैल्यू हो जाता है 1। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है साइन थीटा का मान में भी वृद्धि हो रहा है, यानी कि जब थीटा का मान बढ़ता है तो साइन थीटा का मान क्या है, बढ़ता है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि ये 0 का तो 0 है, 1/2 है, तो 1/2 को डिवाइड कीजिएगा तो 0.5 आएगा, ठीक है। और ये 1/√2 है, तो √2 का वैल्यू होता है 1.414, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.6 समथिंग आएगा, ठीक है। और इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.8 के करीब आएगा, ठीक है। और ये तो 1 है, तो देख पा रहे होंगे कि साइन थीटा का जब मान निकाल रहे हैं 0, 30, 45 रख के, यानी थीटा जब बढ़ रहा है तो साइन थीटा के मान भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वही बोल रहा था कि थीटा के मान में अगर वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है, तो बिल्कुल वृद्धि होती है, तो दूसरा हो जाएगा सत्य। आप चाहें तो ये सबका मान निकाल के वहाँ पर दिखा सकते हैं कि देखिए हम लोगों को थीटा जो है बढ़ रहा है, तो साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वही बोल रहा था कि थीटा के मान वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो ये सही बात है। लेकिन तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होता है तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, नहीं दोस्तों। यहाँ पे थीटा अगर 0 होता तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाता 1, यानी कि उल्टा होने लगता। अगर इसका वैल्यू बढ़ा रहे हैं 0, 30, 45, तो इसका धीरे धीरे घट रहा है, उल्टी क्रम में लिखा जाता है। आपको बताया ना कि साइन का उल्टा क्रम में लिखने पर कॉस थीटा का मान हो जाता है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, ये घटोत्तरी होती है, घटती है। वृद्धि मतलब बढ़ना और घटोत्तरी मतलब घटना, तो ये वृद्धि नहीं होता है, घटता है,
ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ देखा जाए तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में क्या होता है, घटोत्तरी होता है, घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे थीटा का मान अगर बढ़ रहा है तो साइन थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। यानी कि थीटा अगर बढ़ता है तो कोस थीटा का अगर मान निकालिएगा तो यहाँ पे आने पर ये घटोत्तरी होगा। इसलिए यहाँ तीसरा में बोल रहा था कि वृद्धि होती है, यह एक असत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं। थीटा के सभी मान पर और साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं, कैसे हो जाएगा भाई, सोचने वाला बात है। साइन थीटा के सभी मान, थीटा का सभी मान का मतलब थीटा जीरो भी ले सकते हैं, थीटा तीस भी ले सकते हैं। अगर थीटा का सभी मान बोल रहा है तो जीरो पे भी, तीस पे भी, पैंतालीस पे भी, सब पे बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं, साइन जीरो का मान और कोस जीरो का मान बराबर होता है, नहीं, साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो वन होता है, तो दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा जो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। सभी मान का मतलब जीरो पे भी, तीस पे भी बराबर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं होगा जब आप चेक करेंगे थीटा के मान पे। आप चाहे तो 30 डिग्री पे भी चेक कर लीजिए, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2। तो ये चौथा भी क्या है, असत्य है। फिर अगला है, ए बराबर जीरो पर कोट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब देख लीजिए, हम लोग एक मान पढ़े हैं अपरिभाषित, इसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित बोल सकते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड अंग्रेजी में बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब अपरिभाषित, और अपरिभाषित का मतलब अनडिफाइंड है। तो इसका मान हम लोग पढ़ते हैं अपरिभाषित, अनडिफाइंड या परिभाषित नहीं है। तो बोल रहे सवाल में कि ए के जगह पर अगर जीरो रखेंगे तो कोट ए का मान परिभाषित नहीं है, यानी कि ए के जगह पे जीरो रखना है तो कोट ए का मान, यानी कि कोट जीरो का मान कितना होता है, कोट जीरो, ठीक है। तो कोट जीरो का वैल्यू परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या, परिभाषित नहीं है तो ये हम लोगों को सत्य हो जाएगा, क्योंकि परिभाषित नहीं है इसका मतलब अपरिभाषित है। इसी को हम लोग इस परिभाषित भी बोलते हैं, अनडिफाइंड भी बोल सकते हैं, परिभाषित नहीं है ये भी बोल सकते हैं। तो अनडिफाइंड आया तो इसका मतलब ये भी ना हुआ कि परिभाषित नहीं है, और यहाँ पे भी लिखता है परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब क्या, अपरिभाषित, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये चौथा जो क्वेश्चन था इसमें सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन पे हम लोगों को करना था। तो दोस्तों इस तरीके से 8.2 के सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग पूरे 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किए हैं। दोस्तों अगले क्लास में हम लोग आगे की एक्सरसाइज को, थ्योरी को, फार्मूले को, रूल्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।